हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरी शेप में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी नजर आ रही है और फिंगर्स मीडियम लेंथ में है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जल्दबाज नेचर इनकी रह सकती है। थोड़ी सी जो जल्दबाजी वाली नेचर है, डिसीजन लेने में जल्दबाजी दिखाना, ऐसा स्वभाव इनका रहने की संभावना रहेगी यहाँ पर। लेकिन फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में है, इसकी वजह से अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके भीतर रहेगा। आप यहां से देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, और फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की जो डीप कट लाइंस हैं, ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। जितनी ज्यादा ऐसी खड़ी रेखाएं फिंगर्स के सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हों, उतनी अच्छी नेचर, उतना अच्छा स्वभाव नेटिव का रहता है। अब बात करते हैं फिंगर्स की लंबाई की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी जल्दबाज पर्सनैलिटी रहेगी। लेकिन अगर पर्टिकुलर फिंगर्स को देखा जाए तो इनकी जो सूर्य फिंगर है और इनकी जो बृहस्पति फिंगर है, इन दोनों की लंबाई एक समान है, जिसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज और क्रिएटिविटी ये दोनों इनके अंदर एक समान रहेंगी। अच्छी क्रिएटिव नेचर रहेगी क्योंकि सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, थिकनेस में अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का एक जो सोशल सर्कल है वो भी काफी अच्छा रहता है। शनि फिंगर की बात की जाए, शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो फिंगर है मध्यमा उंगली, इसको शनि फिंगर कहा जाता है। इसका अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति काफी हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, काफी मेहनती होते हैं, और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी सक्सेस भी पा लेते हैं। अब बात करते हैं इनकी बृहस्पति फिंगर की। मीडियम लेंथ में बृहस्पति फिंगर, लेकिन थिकनेस काफी अच्छी है, जिस वजह से एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी रहेगी। बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर होने की वजह से अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी ऐसे नेटिव के अंदर रहती हैं। और इस फिंगर के ऊपर एक तिल का चिन्ह यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरह का तिल होना फिंगर के ऊपर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु की तरफ से या अपने टीचर की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाती। एजुकेशन, खास तौर पर हायर एजुकेशन में दिक्कतें आती हैं ऐसे नेटिव को जिनके बृहस्पति फिंगर के ऊपर किसी भी एरिया पर तिल का चिन्ह बन रहा हो। अब बात करते हैं इनके मरकरी की, मरकरी फिंगर की। आप देख सकते हैं कि जो मरकरी फिंगर की लंबाई है काफी अच्छी है। यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, इसको क्रॉस करती हुई मरकरी फिंगर नजर आ रही है, जो यहाँ पर अच्छी लेंथ में काउंट होगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ क्रिएटिविटी सूर्य फिंगर की वजह से और कैलकुलेशंस मरकरी की वजह से, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की जिनकी मरकरी फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को क्रॉस कर जाए। ओवरऑल बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर होने की वजह से अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी इनके भीतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को, और उसके बाद हम चेक करेंगे इनके माउंट्स को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट लो सेट नहीं हो रहा। यह इनका मरकरी माउंट है, अगर इसको भी देखें तो बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है, और इवन इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और गुरु माउंट तीनों को काफी अच्छी स्पेस मिलती हुई नजर आ रही है। अब वन बाय वन सभी माउंट्स को और रेखाओं को देखेंगे तो यह जो इनका मरकरी माउंट है, इसको अच्छी स्पेस मिलना
व्यक्ति के अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को एनहेंस करता है, और साथ ही साथ एक लंबी मरकरी रेखा का होना। यह जो रेखाएं आपको मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं, इनको हम मरकरी लाइंस कहते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग लाइंस मरकरी माउंट की तरफ बढ़े, उतना अच्छा बिजनेस एक्यूमेन व्यक्ति का होता है। लेकिन अगर यह रेखाएं कटी फटी ना हो, बिल्कुल सीधी हो, तभी इनके प्रभाव सबसे बेहतर होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक लंबी रेखा, उसके बाद जो दूसरी मरकरी लाइन नजर आ रही है उसमें हमें एक गैप नजर आ रहा है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से स्टमक रिलेटेड दिक्कतें, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है जिनके मरकरी लाइन में किसी तरह की ब्रेक हो। अब आगे देख सकते हैं आप इनके सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट का जो एरिया है काफी अच्छा है, फ्लैट सूर्य माउंट है, और इस माउंट के ऊपर लंबी एक से ज्यादा रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं प्रतिभा को इंडिकेट करती हैं, ऐसे व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं जिनके हाथ में लंबी सूर्य रेखा मौजूद हो। और अगर एक से ज्यादा सूर्य रेखाएं मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग हो सकता है। एक से ज्यादा तरह की क्रिएटिविटीज ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा रेखाएं यहाँ होना व्यक्ति को कंफ्यूज भी करती हैं। ऐसे नेटिव को यह डिसाइड कर पाने में दिक्कतें आती हैं कि कौन सा प्रोफेशन, कौन सी क्रिएटिविटी इनके लिए बेस्ट रहेगी। ऐसी दिक्कतों का सामना अर्ली एज में इनको जरूर होता है, लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर होना इन्हें ओल्ड एज में चलकर काफी अच्छा मान सम्मान दिलवाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक रेखा है लंबी, यहाँ पर कुछ इस एरिया में आप देख सकते हैं ऐसी सूर्य रेखा मौजूद है, जिसकी वजह से समाज में इनकी पहचान बढ़ेगी, और खास तौर पर अगर देखा जाए तो 50 के आसपास की एज के बाद इन्हें काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलेगी। शनि की बात की जाए, डीप कट लाइन है शनि माउंट के ऊपर। यह जो एरिया है अंदर की तरफ दब रहा है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत उभरा हुआ नहीं है। शनि रेखा मौजूद है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह शनि रेखा ऊपर बहुत इसको हम कह सकते हैं स्ट्रांग नजर आ रही है। भाग्य रेखा इनके हाथ में कुछ इस तरह से अंदर की तरफ शुक्र के एरिया की तरफ से निकलकर ऊपर बढ़ रही है, जो यह भी दर्शाती है कि अच्छी फैमिली की सपोर्ट व्यक्ति को मिलती है, और एक लंबी भाग्य रेखा का होना व्यक्ति को कंफर्टेबल लाइफ भी देता है। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में धन से संबंधित ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन अप्स एंड डाउन जरूर रहते हैं क्योंकि वो बाकी रेखाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। और अगर देखा जाए तो डीप कट लाइन है इनके शनि माउंट के ऊपर, यहाँ पर जो इंडिकेट करती है कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कंफर्टेबल जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे ओल्ड एज में चलकर। आगे आप देख सकते हैं इनके बृहस्पति माउंट को। यह बृहस्पति माउंट का एरिया है जो यहाँ पर उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस माउंट के ऊपर अपवर्ड जाने वाली कुछ रेखाएं जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस का नाम देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जो तरक्की है वो निरंतर चलती रहती है। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन, कुछ इस तरह की हृदय रेखा जिसे हम सीमियल लाइन का नाम भी देते हैं। ऐसी रेखा होना व्यक्ति को वर्क एल्कोहलिक बनाती है, ऐसे व्यक्ति काम की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव देते हैं, और इसी वजह से फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस होना स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही साथ इनके हाथ में एक और ब्रांच जो यहाँ पर आपको गर्डल ऑफ वीनस की ब्रांच जैसी बनती हुई नजर आएगी, इस ब्रांच का होना कुछ कमियों को दूर करेगा, थोड़ी सी इमोशंस इनके अंदर इंक्रीज करेंगे इसकी वजह से, और मूडी टाइप की नेचर इनकी होने की संभावना यह दोनों रेखाएं मिलकर दर्शा रही हैं। अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देख सकते हैं इनकी जो माइंड लाइन है बिल्कुल नीचे की तरफ झुक रही है, जिस वजह से ओवर इमेजिनेशन की दिक्कत ऐसे नेटिव को आती है। अब देख सकते हैं यह जो रेखा है बिल्कुल नीचे की तरफ, इस तरह की लाइन व्यक्ति को ओवर इमेजिनेटिव बनाती है, काफी ज्यादा कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है, और अगर ऐसा नेटिव अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल बखूबी करे, यानी कि अगर कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर है, कुछ लिखना जानते हैं, कुछ म्यूजिक या किसी तरह का कोई आर्ट इनके भीतर है, तो इन्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से इनकी जो क्रिएटिविटी है, जो ओवर इमेजिनेशन है, वो चैनलाइज होगी और तनाव नहीं होगा। अदरवाइज झुकी हुई माइंड की लाइन
व्यक्ति को एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी दिक्कत दे सकती है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। अब देख सकते हैं लाइफ की लाइन की लंबाई काफी अच्छी है। फिश का सिंबल लाइफ लाइन के अंत में बनता हुआ, इस तरह का फिश का सिंबल जिनकी भी हथेली के ऊपर बनता है ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं। खास तौर पर यह चिन्ह जिनके हाथ पे बनता है केतु माउंट के ऊपर, ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावना रहती है। और यह जो चिन्ह है व्यक्ति को फॉरेन ट्रेवल्स भी करवाता है, लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे नेटिव की लाइफ में काफी रहती हैं। तो यहाँ पर यह एक भाग्यशाली चिन्ह के तौर पर काउंट होता है। और आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन की लंबाई को कुछ इस तरह से, एक लंबी लाइफ की लाइन जो यहाँ पर दर्शाती है कि लगभग यहाँ पर 80 से लेकर 85 के आसपास की एज इनकी रह सकती है, एक लंबी एज। लेकिन कुछ रेखाएं इनकी लाइफ लाइन को काटती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का होना भी स्वाभाविक है। और दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी डीप कट लाइंस इनके शुक्र माउंट के ऊपर, जो फैमिली से जुड़ी ट्रबल्स को इंडिकेट करती हैं। और कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहते हैं व्यक्ति की लाइफ में जब ऐसी बहुत सारी रेखाएं शुक्र माउंट के ऊपर, वीनस माउंट के ऊपर हो, तो व्यक्ति को मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं और मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा सुखद नहीं रह पाती किसी ना किसी वजह से। ऐसे नेटिव की फैमिली लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है जब शुक्र माउंट के ऊपर इस तरह की अफ्लिक्शन दिखाई दे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनके जो इनका चंद्र माउंट है यहाँ पर काफी क्लियर है। चंद्र माउंट का जो एरिया है, चंद्र माउंट के एरिया के ऊपर ज्यादा रेखाएं नहीं है, कुछ हल्की आड़ी रेखाएं थोड़ी एंग्जाइटी को इंडिकेट करती हैं। और दूसरी चीज, इस रेखा का चंद्र माउंट की ओर तरफ बढ़ना भी व्यक्ति को थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ी सी ट्रबल देता है, माइंड से रिलेटेड कुछ दिक्कतें और तनाव जैसी कुछ दिक्कतें ऐसे नेटिव की लाइफ में इस तरह की झुकी हुई माइंड लाइन की वजह से हो सकती हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।